चास प्रखंड के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में आजकल एक चर्चा अहम है और आम है। लोग अक्सर ये चर्चा कर रहे हैं कि अगर अब कोई भी समस्या होगी तो हमारे साथ हमारे 20 सूत्री के चास प्रखंड के अध्यक्ष खड़े हैं और अब ग्रामीण कहीं से ठगे नहीं जाएंगे, छले नहीं जाएंगे, विद्यार्थी ठगे नहीं जाएंगे, छले नहीं जाएंगे। साथ ही साथ जो ग्रामीण है या पीडीएस से जुड़े हुए लोग हैं या दूसरी समस्याओं से हॉस्पिटल से जुड़े हुए लोग हैं, सभी को एक बड़ी उम्मीद जगी है कि उनके साथ अब बहुत समय बाद, लंबे अरसे बाद एक ऐसे शख्सियत जुड़े हैं जो बस एक टेलीफोन की जरूरत होती है और पहुंच जाते हैं सीधे उन लोगों के बीच जिनकी समस्याएं होती है, जिन्हें उम्मीद होती है। नमस्कार, डी फोकस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं महावीर सिंह चौधरी की, जो युवा तुर्क के नाम से इस समय चास प्रखंड में सबसे ज्यादा चर्चित चेहरों में से एक है। और कहा जाता है कि जब भी चास प्रखंड हो या चास के ग्रामीण इलाकों के लोगों की समस्याएं हो, पंचायत के इलाकों की समस्याएं हो, तो सबसे पहले महावीर सिंह चौधरी को याद किया जा रहा है। आइए सीधे इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि अचानक से इन्होंने जो ये सक्रियता बढ़ाई है, एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद क्या कुछ इनके पास मैनिफेस्टो है, किस तरह से लोगों को और बेहतर सेवा देने के प्रति ये प्रतिबद्ध है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। महावीर सिंह जी, कहा जाता है कि जब से, हालांकि इससे पहले से भी आप हमेशा सक्रिय नजर आए हैं, लेकिन जब से आपको 20 सूत्री चास प्रखंड का अध्यक्ष बनाया गया, आप कहीं ना कहीं नजर आ जाते हैं, किसी स्कूल में दिख जाते हैं, किसी स्वास्थ्य सेंटर में दिख जाते हैं, किसी ग्रामीणों के जो श्राद्ध कर्म होते हैं वहाँ गरीब लोगों के बीच नजर आ जाते हैं, इतना स्नेह मिल रहा है गांव के लोगों के बीच, क्या कहेंगे? मैं खुद यहाँ का एक ग्रामीण हूँ, सभी ग्रामीण लोग मुझे अपना भाई भतीजे के रूप में देखते हैं। यहाँ तक 20 सूत्री की बात है, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने और माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी ने पूरे झारखंड में सभी जिलों में 20 सूत्री कार्यक्रम कारण समिति का गठन किया है। 20 सूत्री का ये कार्य ही है कि विभिन्न विभागों में सरकार के द्वारा जो योजनाएं लोगों के लिए आती है, हाँ, उन योजनाओं को लोगों तक संपूर्ण रूप से उसका लाभ पहुँचे, वो कार्य है 20 सूत्री का। अधिकारियों और जनता के बीच एक पुल का काम 20 सूत्री कार्यक्रम कारण समिति करती है। पहले, इसके पहले क्या होता था कि लोग बहुत सारी योजनाओं को लेकर अनभिज्ञ थे, अधिकारी भी उसका सही ढंग से प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे थे। इन समस्याओं के कारण से योजनाएं धरातल पर आती नहीं थी। अध्यक्ष बनने के पश्चात जब मैंने इन चीज़ों को देखा, इन बातों को देखा, तो उसके बाद अधिकारियों से, चूँकि उनकी भी एक लिमिटेशन है, वो योजनाओं, सभी योजनाओं को तो अब ऊपर गाड़ी के माध्यम से प्रचार प्रसार नहीं कर सकेंगे, संभव नहीं है, सैकड़ों योजनाएं हैं जी, तो अधिकारियों से मैं योजनाओं का पूर्ण विवरण लेता हूं और स्वयं सारे क्षेत्रों में जाता हूं, लोगों को उस विषय में बताता हूं और लोग अब अधिकारियों के साथ मिलते हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। अधिकारियों में तो बड़ा हड़कंप है सर आपके नाम का। कहा जा रहा है कि जहाँ भी ये सुनने में आता है, ग्रामीण बताते हैं कि अधिकारी ये कहते हुए सुने जाते हैं कि काम करो नहीं तो महावीर सिंह चौधरी आ जाएगा। जी नहीं, हड़कंप तो ऐसी बात नहीं है जी। अधिकारियों को देखिए, वो भी चूँकि जुड़े हुए हैं सिस्टम से जी। मैं जब अध्यक्ष बना, मैंने देखा कि अधिकारियों को भी काफ़ी राजनीतिक तौर पे प्रेशराइज किया जाता था। कई एक लोग अपने निजी कार्यों के लिए भी राजनीतिक लोग वहाँ पहुँचते थे और काफ़ी प्रेशराइज करते थे। मान लीजिए अधिकारी किसी क्षेत्र में कुछ काम विशेष, राजनीति लोग वहाँ पहुँचते थे और बोलते थे मेरे थ्रू करवाइए या मुझे आगे रख के करवाइए, मुझे हाईलाइटेड होना। मैंने कई एक विभाग के अधिकारियों की बात को समझा और मैंने उन लोगों को आश्वस्त किया है, प्रेशर से मतलब हेमंत सोरेन सरकार जनता के हित का कार्य कर रही है तो अधिकारियों को सम्मान देते हुए ही कर रही है। ये पिछली सरकार की भांति नहीं है कि अधिकारियों को प्रेशराइज किया जाए। आप विदाउट प्रेशर योजना का लाभ जनता को देते रहें, विश्व सूत्री पूरी शक्ति से आपके साथ।
अगर अधिकारी चुके तो महावीर सिंह चौधरी नहीं चुकेंगे। ऐसा है कि त्रुटियों का संशोधन करने का कार्य, समीक्षा का कार्य, अनुश्रवण का कार्य सूत्री का एक मूल कार्य है, तो कहीं कहीं अगर उनसे भूल चूक हो जाती है तो उसको तो सुधारना मेरा कार्य ही, अपना काम तो कर रहा हूँ बस। बच्चों के बीच आप बैग बांटते हुए नजर आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे, सरकारी स्कूल के बच्चों के बीच, उस समय कैसा महसूस होता है? सच पूछे तो कई एक विद्यालयों में गया, बच्चों के बीच रहा तो खुद बच्चा बन जाता हूँ और अपने बचपन को याद करने लगता हूँ। ये जो हम लोग की जो हम लोग का जो जीवन चर्या है, काफ़ी विवादों में काफ़ी टेंशन से गुजरना पड़ता है प्रत्येक दिन, लेकिन जब उन लोगों के बीच जाता हूँ तो सारा चीज़ भूल जाता हूँ और लगता है कि बस यही जीवन। आप पढ़ाते हुए देखे, कॉपी किताब रखे सामने और बच्चों से पढ़ा रहे थे, बच्चों से पूछ रहे थे, कुछ बेहतर शिक्षा मिल रही है सरकारी स्कूलों में? शिक्षा स्तर तो अभी सुधरा है और मैं बच्चों से इसलिए ही वहाँ पर कभी मैं बोल देता हूँ आप पढ़ो, कभी मैं बोलता हूँ आप इस चीज़ को लिख कर दिखाओ। मैं वही देखना चाहता हूँ कि शिक्षक विद्यार्थियों पर उचित ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, देख चलते हैं। अच्छा है, शिक्षा व्यवस्था सुधरी है और अभी तो मॉडिफाइड करने को लेकर, सारे स्कूलों को मॉडिफाइड करने को लेकर हमारे शिक्षा मंत्री भी काफ़ी बार बयान दे चुके हैं, तो देखिए अब आगे क्या होता है। महावीर जी राम रुद्र प्लस टू उच्च विद्यालय कब जाएंगे? बस अभी तो निरीक्षण का कार्य चल रहा है ग्रामीण विद्यालयों में, बहुत जल्द जाऊँगा। अगर कोई शिकायत मुझे वहाँ से अगर अभी मिलेगा तो मैं अभी पहुँच जाऊँगा सर। सर आपके जो विपक्षी पार्टियाँ वो भी बात करते हैं, विकास हम लोग के समय भी हम लोग इतने जागरूक होते हैं, जैसे हमारा ही एक भाई महावीर सिंह चौधरी दिखा रहा है, तो स्कूलों की हालत इतनी बुरी नहीं होती, तो क्या लगता है कि आपको देखकर लोग अब जागरूक हो रहे हैं, राजनेता भी ऐसी बात कर रहे हैं? पिछली सरकार में तो स्कूलों पर ताला लगाया जा रहा था, कई स्कूल तो बंद कर दिए गए सर, बंद कर दिए गए थे। उस वक्त उन नेताओं को आवाज़ उठानी चाहिए थी, उस वक्त उन्होंने नहीं उठाया। हमें हमारा कार्य मालूम है, हमें हमारा मालूम है कि जनता ने जिस विश्वास के साथ महागठबंधन की सरकार को चुना है, हम उस काम को करने के लिए आए हुए हैं। अब उन लोगों को अच्छा लग रहा है तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि आप भी जनप्रतिनिधि हैं, विपक्ष हैं, तो हो सकता है सभी जगह हम नहीं पहुँच सके, आप भी पहुँचो, कहीं कहीं कोई समस्या है तो उस विषय में हमें अवगत कराओ। हम और वो विपक्ष भी एक साथ जाकर सिस्टम को सुधारने का काम करें। शिक्षा सभी के लिए आवश्यक है तो बिल्कुल, विद्यार्थी जो विद्यालय में पढ़ते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हो, शहरी क्षेत्र के हो, आखिरकार मैं पॉलिटिशियन हूँ तो क्या मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे, वो पॉलिटिशियन उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे, सभी एक साथ पढ़ रहे हैं, एक ही विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो सिस्टम को सुधारना हम सभी की जिम्मेदारी है। कहा जाता है जब मिड डे मील की बात होती है तो कहीं कहीं कई महीनों से मिड डे मील नहीं मिल रहा है बच्चों को, आपने भी कई जगह आपने खुद देखा है, तो अब क्या लगता है कि इस पर सुधार आएगा? जब आप इस तरह के स्टेप्स ले रहे हैं, कड़े स्टेप ले रहे हैं, स्कूलों में पूछ जा रहे हैं, तो सुधार आएगा सर? नहीं, निश्चित तौर पर सुधार आना चाहिए, और कुछ विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की राशि आवंटित नहीं होने के कारण से 29 तारीख से 29 अगस्त से मध्याह्न भोजन बंद था। मैंने इस संबंध में पदाधिकारी से बात किया, उन्होंने कहा कि कुछ दो चार दिनों में, तो मुझे लग रहा है कि सोम मंगल तक राशि उपलब्ध हो जानी चाहिए, और जितने दिनों का नहीं मिला मध्याह्न भोजन उतने दिनों का सूखा राशन भी विद्यार्थियों को आया करे, बच्चों को मिलेगा, मिलेगा निश्चित तौर। एक बड़ा चर्चा आपका था कि टुपरा डावर में एक स्वास्थ्य केंद्र में आप गए थे, क्या स्थिति है अभी उसकी? अभी की स्थिति तो वहाँ की जनता ही बता सकती है, फिलहाल तो कोई शिकायत नहीं मिली है मुझे, लेकिन टुपरा डावर का जब आपने बात कहा तो मैं कई जगह की आपको बता दूँ समस्याएँ हैं। प्रॉपर तौर पर चिकित्सक सेवा नहीं दे रहे हैं, और भी जो संबंधित स्टाफ है सेवा नहीं दे रहे हैं,
इस सिस्टम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और या तो वो स्वयं से सुधर जाए या फिर हमें सुधारना होगा। सुधार पाइएगा निश्चित तौर पर, महागठबंधन की सरकार का अंग है हम, अगर हम ना सुधार सके तो फिर हमें अपनी कुर्सी पर बैठने का हक नहीं। और भी कई चर्चाएं होती है जब आप ग्रामीण क्षेत्रों, कहा जाता है कि आप जो एक योजना बड़ी महत्वाकांक्षी योजना आपकी है, कहा जाता है कि व्यक्तिगत दिल से इसको चलाते हैं महावीर सिंह चौधरी, राहुल गांधी अन्नदान योजना, आपके पिताजी से ये प्रेरणा मिले या खुद की सोच है ये? निश्चित तौर पर मेरे पिता स्वर्गीय अभिमन्यु सिंह चौधरी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव थे, वो हमेशा मुझे ये बात कहते थे कि अगर तुम में सामर्थ्य है, अगर तुम में शक्ति है, तुम्हारे आसपास के 10 किलोमीटर में अगर कोई बच्चा भूखे सो रहा है तो समझो तुम इंसान की गिनती में नहीं आओ, तुम जानवर हो। सामर्थ्य और शक्ति का इस्तेमाल उन बच्चों के लिए करो, कम से कम हमने अपने आमने सामने का, क्योंकि तुम टाटा बिरला तो नहीं हो, तुम हमारे पुत्र हो, लेकिन जितना सामर्थ्य है उसमें 10 किलोमीटर के रेंज में तो कोई बच्चा भूखे नहीं सोना चाहिए। बस अपने पिता की उन्हीं कही हुई बातों को मैं आज भी अनुसरण करने का प्रयास करता हूँ। खेरा बेड़ा में आप नजर आ जाते हैं, ग्रामीण इंतजार करते हैं लाइट जला के आपका, ये तो उन लोग का प्रेम है। ऐसा है कि कई एक जगहों से रात 11 बजे भी मुझे फ़ोन आ जाया करता है कि ऐसी ऐसी समस्या है भोजन को लेकर। अन्नदान योजना में चूंकि मूल रूप से आपको किन्हीं के घर में श्राद्ध हो या किन्हीं के घर में शादी हो तो अन्नदान मुहैया कराया जाता है, जी अन्न मुहैया कराया जाता है, राशि मुहैया कराई जाती है, लेकिन इसके अलावा भी कई एक जगह से मुझे कॉल आते हैं कि कोई मजदूर है, वो 5 दिनों से बीमार है, वो काम करने नहीं जा सका, उसके घर में बच्चे भूखे हैं। वो वैसे कॉल मुझे रात 11 बजे भी आते हैं, रात 1 बजे भी आते हैं, मैं बिना देर किए हुए मैं वहाँ पहुँचता हूँ, उसी समय पहुँचता हूँ। ग्रामीणों को मैसेज रहता है, लाइन कटी हुई रहती है तो लाइन जा के इंतजार करते हैं। अक्सर तो इस समय आपको याद नहीं आता कि सरकार भी राशन वितरण का काम करती है, ये सही ढंग से इसका मतलब काम नहीं कर रहा होगा, ठीक है, लेकिन लोग कतराते हैं पता नहीं क्यों। जैसे कर्मचारी के पास जब भी लोग जाते हैं, मैंने भी देखा, तो पहले क्या होता था कि मेरा डेरा आ जाओ, कार्यालय में तो मिलते नहीं थे, अब मिल रहे हैं। नहीं, कार्यालय में एक्चुअल में जैसा आप, मैं अंचल की बात करूँ तो जी 13 हल्का कर्मचारी हैं, सभी के लिए वहाँ कार्यालय की व्यवस्था भी नहीं है, तो अभी टेम्पोररी तौर पर सभी लोग कार्यालय रखे हुए हैं, लेकिन 20 सूत्री इसके पहले भी तो था। अगर कर्मचारी फौरी तौर पर, क्योंकि एक कर्मचारी को 50 जिम्मेदारियां भी रहती है, आपको मालूम है वो फील्ड वर्क ज़्यादा करते रहते हैं, अगर नहीं है तो आप कार्यालय में आप डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। कर्मचारी अगर संबंधित हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी से, प्रखंड विकास पदाधिकारी से सीधे मिलकर उनको डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, या अंचलाधिकारी से को सीधे डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। ये अंचलाधिकारी का काम है कि वो कर्मचारी को बुला के आपका काम करें। फिर ग्रामीण बड़ी डरते भी कि इतना बड़ा अधिकारी से डायरेक्ट कैसे मिले। अधिकारी बड़ा नहीं होता है, ग्रामीण इस लोकतंत्र में अगर सबसे बड़ी शक्ति कोई है तो वो है ग्रामीण लोग। अधिकारी या फिर कोई भी राजनेता, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, उनका सेवक है, डरने की क्या बात है। आप आओ, आपका हक है और उनको आपका सुनना होगा, उसी के लिए वो बैठे हुए हैं, उसी के लिए हम बैठे हुए हैं। चंदन क्यारी से अगर बुलावा आएगा या बोकारो जिला के किसी भी दूसरे प्रखंड से बुलावा आएगा, महावीर सिंह चौधरी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए वहाँ लोगों की समस्या सुनने जाएंगे? नहीं, इसमें प्रोटोकॉल जैसी कोई बात नहीं है, हमारे जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष वो चंदन क्यारी से बिलोंग करते हैं जी, हम लोगों के बीच 9 प्रखंड के 20 सूत्री अध्यक्षों के आपस में बात होते रहती है, बाकायदा हम लोगों को टेलीफोन की बात या मिल के भी बात होते रहती है। किसी भी प्रखंड में कोई समस्या हो और उस प्रखंड के 20 सूत्री अध्यक्ष से आपका अगर आपका परिचय नहीं है, आपका परिचय मुझसे, आप मुझसे बोले, मैं उनको बोल दूँगा, बिल्कुल काम। हम यहाँ इस कुर्सी को सिर्फ इसलिए नहीं संभाले हुए हैं कि अध्यक्ष होंगे, ऐसा नहीं है, कोई भी 9 प्रखंड में हमारे 9 सूत्री अध्यक्ष जो है सभी काम को लेकर तत्पर है। आपने देखा होगा इसके पहले भी, कुछ दिनों पहले पेटरवार में सोना सोवरन योजना को लेकर अध्यक्ष जो है स्वयं धोती साड़ी बांट रहे, तो सारे लोग एक्टिव हैं।
हाँ, ये मैं मानता हूँ कि अब आम जनता अध्यक्ष से अगर नहीं मिल पाई किसी कारण से, या जैसा आपने कहा कि अंचलाधिकारी या फिर वीडियो को बहुत बड़े पदाधिकारी मानकर डरते हैं इस कारण से, तो आप जिसको भी पहचान रहे, खासकर हमारे कांग्रेस पार्टी में JMM में आप जिसको भी पहचान रहे, आप उनसे संपर्क करो, सारे के सारे लोग आपकी सेवा में लगे हुए हैं। ये स्पष्ट निर्देश है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी का, कि आपके पास अगर कोई व्यक्ति पहुंचा कोई समस्या को लेकर, और अगर आपने समस्या का समाधान नहीं किया और उन तक अगर ये खबर पहुंच गया तो आप पे कार्रवाई हो जाए। नहीं तो ये खबर तो खुद आप पहुंचाते हैं, लेटर लिख देते हैं। देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रखंड स्तर पे जिला स्तर पे संभव नहीं है, वो मंत्रालय स्तर पे ही संभव है, तो उसके लिए तो लेटर लिखना पड़ेगा। ये लेटर का काम भी चलेगा, लोगों की सेवा भी अनवरत चलेगी। बिल्कुल, कांग्रेस का मूल मंत्र है कि सेवा ही संकल्प है, हम अपने संकल्प को ही बस पूरा कर रहे हैं। महावीर सिंह चौधरी से अगर किसी को मिलना है कहाँ संपर्क करेंगे? ये सूत्री कार्यालय चास प्रखंड, वहीं पे कार्यालय मिला हुआ है मुझे, वहाँ संपर्क कर सकते हैं, और या फिर मेरा आवासीय कार्यालय ITI मोड़ में है, कार्यालय सरकारी कार्यालय बंद होने के बाद निजी कार्यालय में मैं उपलब्ध हूँ, और किसी कारणवश अगर मैं फील्ड में तो भी मेरे कई एक कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ता कार्यालय में मौजूद रहते हैं, तो उनसे भी जाकर मिल सकते हैं, काम करना। देखिए बार बार आप बात करते हैं, तो ऐसे में अकर्मण्य पदाधिकारियों के लिए महावीर सिंह चौधरी का क्या संदेश रहेगा, क्या मैसेज रहेगा जो काम करने से कतराते हैं? जो जिम्मेदारियां आपको दी गई है उस जिम्मेदारियां का आप ढंग से निर्वहन करें, अन्यथा आपको उन जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा, यह स्पष्ट संदेश। इसमें कोई समझौता नहीं होगा? माननीय मुख्यमंत्री ने कई एक दफे सार्वजनिक तौर पर भी इस बात को कहा है, अधिकारियों की बैठक में भी वो इस बात को बोलते रहे, हम सभी को भी निर्देश आता रहता है कि अगर कोई अधिकारी सही ढंग से कार्य ना करे तो आप बिना देरी किए वहाँ खबर करें। ऐसे अधिकारियों के बीच खामोशी से आप कभी जाएंगे? चुपचाप जाके लोगों की जब आती है समस्याएँ शिकायत तो देखेंगे कि सचमुच ऐसा कुछ हो रहा है क्या? पता चल जाता है, जीवन ने इतना अनुभव दे दिया है कि आप किसी व्यक्ति के बोलने से और उनके चलने के तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि वो कितना एक्टिव है लोगों के काम के प्रति। और मैं आपको बता दूँ, आपके माध्यम से मैं चास प्रखंड के सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो अधिकारी है वर्तमान में, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है, अंचलाधिकारी, आप एक बार अपनी समस्या को लेकर उनसे जरूर मिलें, खुद पता चल जाएगा कि वो कैसे हैं। तो ये महावीर सिंह चौधरी हैं, चास प्रखंड विश्व सूत्री के अध्यक्ष और चास प्रखंड ग्रामीण कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। इनका साफ साफ कहना है कि पता चल जाता है, और ये पता इनको इनके अनुभव के साथ साथ ग्रामीणों का इनके प्रति जो स्नेह है उसकी वजह से चल जाता है। तो ऐसे में वे अधिकारी सतर्क रहे जो काम करने से कतराते हैं, क्योंकि महावीर सिंह चौधरी कहीं भी अचानक से अवतरित हो जाएंगे और ऐसे में उन अधिकारियों की खैर नहीं होने जा रही है, चास प्रखंड हो या पूरे बोकारो जिले के 9 प्रखंड में कहीं भी हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, या जो राशन की बात होती है, जन वितरण प्रणाली की बात होती है, या दूसरे किसी भी विभाग की बात होती है, महावीर सिंह चौधरी लोगों की सेवा के लिए चास प्रखंड कार्यालय में जरूर बैठ रहे हैं विश्व सूत्री अध्यक्ष होने के नाते। इनकी जो तीसरी आंख है पूरे जिले को देख रही है, और वो तीसरी आंख खुल गई तो समझ लीजिए महादेव की तीसरी आंख है, उसके बाद आपको कोई बचा नहीं सकता है। कैमरा पर्सन राशिक राय के साथ मैं राम नारायण शर्मा।